नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। IRFC स्टॉक ने मंथली क्लोजिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि लास्ट मंथ में जो क्लोजिंग आई थी वो यहाँ पे 190 के ऊपर आई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पर क्लोजिंग तो ऊपर आई थी, पर ऊपर के जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो वीक जो था वो काफ़ी बड़ा नज़र आया था IRFC के अंदर। तो उसके वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हम लोगों को IRFC के अंदर। पर इंपॉर्टेंट ही 190 लेवल, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सस्टेन होता है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी एक बात यहाँ पर देखी जाए तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है नेगेटिव वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है IRFC के अंदर पिछले 8-10 दिनों से, क्योंकि ये जो नेगेटिव वॉल्यूम की वजह से जो है मोमेंटम टोटली नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। रेलवे सेक्टर में जो है यहाँ पे आप देख सकते कि बजट के बाद गिरावट भी आई काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद या फिर न्यूज़ की तरफ भी नज़र डालोगे तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है रिसेंटली रिगार्डिंग IRFC स्टॉक।